तो ये ले भाई। ओए होए 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 ओहो ओहो यार रोनियो, जहाँ पे भी मैं प्लेट उठाता हूँ रोनियो मेरे हाथ में होता है, मुझे समझ नहीं लगती। वाइट बेंटम ने आज, दोस्तों यार ये तो गुड न्यूज़ होगी आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जाहिद और आप सब देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है? सबसे पहले ये देखें, पड़ियाँ डल चुकी हैं दोस्तों, इन खुडों पे पड़ियाँ डल चुकी हैं। मिस्त्री सब आज आ चुके हैं और हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और पड़ियों के बाद यहाँ ऊपर एक बांस वाली सेटिंग, बांसों वाला घर समझते हैं ना, जिस तरह वो बांस के बने होते हैं, एक बड़ा बड़ा हट सा, हट टाइप, तो हट टाइप यहाँ पे बनेगा। और वो जैसे मैंने इसका क्विज खेला था ना और आप सब नहीं बता सके थे, तो वो हट टाइप जो बांसों वाला घर होगा ना, वो किसका होगा दोस्तों, ये आपने बताना है लाजमी कमेंट्स में। तो सबसे पहले यार डक्स जो है हमारा इंतज़ार कर रही हैं, बिल्कुल रेडी हैं, इनको पता है कि यार मैं खाना डालने लगूँ, तो डक्स को पहले खाना डालते हैं और उसके बाद फिर आगे भी बहुत कुछ है यार बताने को। दोस्तों ये राजा रानी फैमिली जो जितनी गंदी हुई है ना, आज इनको हमने लाने लगे हैं। आज ये नहा नू के ना साफ सुथरी भी हो जाएंगी, आज बिल्कुल वाइट वाइट हो जाएंगी। जैसे ही हम डक्स को डालते हैं ना, हम डक्स को पहले इसलिए डालते हैं कि यार ये अपना शोर कम कर दें। तो जेल, जेल भी बाहर आई हुई है, जेल बाहर, इधर आ जाओ जेल, जेल इधर आ जाओ जेल। दोस्तों यार मास्टर केज के अंदर देखा आपने, यहाँ पे भी आज हमने धुलाई कराई है, पूरी सफाई करवाई है। असील यार दोस्तों यार वो भी बेताब हुए हैं, तो असील चूज़ों के ना अभी मैं उनको भी डालता हूँ, लेकिन पहले शेरू और उसकी मिसेज को डाल दूँ, तो भी खा ले भाई थोड़ा सा ये ले। तो हम माशाल्लाह अब रोटियों से ना हर चीज़ को ना, चाहे वो सील चूजे हैं, मुर्गी हैं, मुर्गे हैं, सब फिट हो जाते हैं। चलो 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 अंदर चले जाओ। जैक एंड जिल भी आ चुके हैं। अरे हम जैक एंड जिल को ये रोटियां नहीं खाने देना यार, ठीक है? जैक एंड जिल को चुपके से रोटियां ना खाएं। इनको देखो जैक एंड जिल, आज कुछ मास्टर केज में भी इनके लिए स्पेशल चीज़ें लेके आई हूँ, इन बर्ड्स के लिए जो बड़े शौक से खाते हैं। तो आज एक ये भी सरप्राइज़ है इनके लिए, इनके लिए क्या लाया हूँ वो देखें यार किस तरह बेताब हो रहे हैं। तो सब इनको भी देता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसे पहले अपने इन बर्ड्स को, ये ओए रोनियो के लिए जो आज स्पेशल मैं लेके आया हूँ ना यार, ये धनिया, ये बहुत शौक से खाते हैं बर्ड्स। आ जाओ रोनियो, रोनियो सबको देना है यार, खाली तुम्हें नहीं देना। परिंदों को मैंने डाल दिया। अब यार मोहिब, अब बर्तन निकालो यार, इन मुर्गियों की चुड़ियों को सारा को डाल दें, और मुर्गियों के बर्तन निकालो, मुर्गियों के बर्तन। ओए अंडा दे दिया इधर, किसने दिया? वाइट बेंटम ने। वाह जी वाह, वाइट बेंटम ने आज, दोस्तों यार ये तो गुड न्यूज़ होगी आज, तो मैं इनके लिए स्पेशल क्या क्या लेके आया हूँ और वाइट बेंटम ने गुड न्यूज़ दे दी है। बाकी बर्तन निकालो यार, और अंडे भी देखते जाओ साथ साथ। अरे रुक जाओ ना, अंडे भी देखते जाओ। एक और अंडा दिया उसने, तो ठीक है अंडा दे यार। दोस्तों यार आज यार कुछ समझ नहीं लग रही यार, इधर कोई बर्ड्स आ रहे हैं, उधर कोई अंडों की गुड न्यूज़ आ रही है, और बहुत सारी गुड न्यूज़ जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो भी मुझे अभी समझ नहीं लग रही। पहले मैं इनको देखूँ या उनको देखूँ? तो ये गुड न्यूज़ भी लेके आओ यार जल्दी से, फिर मैं इनको मुर्गियों का ना साथ साथ यार ये भी डाल दूँ। अब दोस्तों यार सबसे पहले यार रोनियो, जहाँ पे भी मैं प्लेट उठाता हूँ रोनियो मेरे हाथ में होता है, मुझे समझ नहीं लगती रोनियो हर जगह पे साथ साथ है। अब मोहिब सबसे पहले ये कोको बेंटम को डालो। रोनियो आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दो बर्तन इधर लेके आओ, मुझे दो। अरे जी साथ थोड़ा सा तड़का लगा देना धनिए का हर जगह पर ना, थोड़ा थोड़ा, ताकि हर मुर्गी थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर ले। अब ये देते हैं जी वाइट बेंटम को, जिन्होंने आज अंडा दिया है। ये लो जी साथ तड़के वाला, ओहो हो इन्जॉय कर रहे हैं जी, वाह जी वाह। और ये देते हैं जी, किधर गया ये ब्लैक बंटम का हमने रख दिया, इसको भी इधर, बबली बंटी को इधर बंद करते हैं ताकि बबली बंटी बाहर ना आए, तंग करते हैं। ये लो जी बंटी, बबली, ये बबली बंटी को डाल दिया, ये भी यहाँ पे आ गए। अब आ गई सिल्वर स्प्राइट की बारी, लेकिन सिल्वर स्प्राइट और पीछे क्या हो, मचा देते हो, क्या करना चाह रहे हो सारे? हाँ जापानी ने भी अंडा दिया यार, जापानी ने कल भी अंडा दिया था। अब ये बारी है जी इसकी सिल्वर स्प्राइट की, ओए फिर दूसरी दफ़ा फेल हो गया, एक दफ़ा फिर ट्राई की। ओए होए ओए होए ओए होए, ये सिल्वर स्प्राइट है या तितरी है? चल भाई अंदर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा अंदर, अंदर अंदर, चलो 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 चलो, शाबाश। एक और चीज़, ये मैंने कासित कबूतरों को अलग कर दिया था इस पूरे पेयर को, क्योंकि इस पूरे पेयर की अब यहाँ पर कोई जगह नहीं बनती थी, क्योंकि हर जगह कल मैंने आपको दिखाया था चार पेयर ऐसे हैं जो अंडों पे बैठे हुए हैं, तो इसको मैंने इसलिए अलग थलग कर दिया। अब इस अलग थलग को यहाँ पर हम थोड़ा सा डालते हैं दाना और पानी, ताकि यार, और पेटी भी मैंने इसके अंदर लगा दी थी। ये लो क्यों घबरा रहे हो? ये लो इतना ज़्यादा कॉन्टेंट, यकीन करें अब हमें समझ नहीं लग रही हम किस किस को किस तरह कवर करें, तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाती है।
और चीज़ें भी रह जाती हैं पूरी, हम कैप्चर नहीं कर सकते। अभी मेन जो सरप्राइज़ आपको देना है दोस्तों यार, वो तो अभी अधूरा है, वो आपको दिखाना यार एक सरप्राइज़, लेकिन उसकी वजह से मैं थोड़ा यहाँ पर ही फंसा हुआ हूँ कि यार इनसे निकल पाऊँ। तो ये है जी हमारा प्लम हेड के लिए, प्लम हेड यहाँ पर बैठ के खा लेंगे। ये डक थोड़ा सा हमें लग रहा है कुलुक है, अब इसके नीचे हमने ये वाले सारे एग रखने हैं बड़े वाले, ये निकाल के हम इसके नीचे रख देंगे। अगर ये अभी दिन में देखेंगे एक घंटा डेढ़ अगर ना उठी तो ये 6-7 एग्स हैं, तो हम एक दो के नीचे हैं, तो हम ये इसके नीचे रख देंगे। यहाँ पर मैं अंडा लेके आया और एक अलग ही स्टोरी थी यार, ये सब इनकी इस तरह हिफाजत कर रहे हैं उसकी कि मुझे पास तक नहीं आने दे रहे हैं। हालांकि आपने देखा है वीडियो में अक्सर कि मैंने ये मेरे पे अटैक नहीं करती, लेकिन आज जब मैं एग रखने गया हूँ तो उन सब ने ना इसकी हिफाजत कर ली चारों तरफ से कि यार उसको कोई ना छेड़े। हमारी रानी अंडों पे बैठ गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी और टाइम रात के टाइम ना आराम से इसके नीचे ये मैं अंडे रख दूँगा। तो फिलहाल ये पंगा नहीं चंगा, छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यार ये हिलने भी नहीं दे रही। मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे रखने देती हैं, कोई कुछ भी नहीं कह रही, कुछ भी नहीं कह रही। वंडा ने रखा है, अगर देखते हैं वो उसके नीचे कर लेती है, टूट ना जाए। हाँ जी, अच्छा दोस्तों यार इनकी खुशी के लिए मैंने एक और काम किया है, तो वो सरप्राइज़ मैं मेरे ख्याल में छोटे डॉन को दूँ पहले। तो छोटा डॉन ग्रुप को पकड़ते हैं, छोटा डॉन ग्रुप को किसी तरीके से, एक मिनट थोड़ा सा साइड पर होना, छोटा डॉन ग्रुप में से ना इस वाइट वाले को पकड़ते हैं। हाँ जी, तो इसको थोड़ा सरप्राइज़ सबसे पहले देते हैं, आ जा आ जा। तो दोस्तों सरप्राइज़ क्या है, सरप्राइज़ ये है कि मैंने इनके लिए वो चकूजी ऑन कर दिया है जिसमें यार पानी के साथ साथ इनकी इंजॉयमेंट भी है। तो ये ले भाई, ओए होए होए ओए होए, ओहो ओहो, इंजॉय कर ये भाई, इंजॉय कर इंजॉय कर। अरे दोस्तों यार ये पानी में पहले दिन ही बैठी है, ओ घबरा गई है, घबरा गई है। तो यार दोस्तों यार पानी में मैंने इनके लिए ये सेटिंग सारी कर दी है, यहाँ पर हमने मशीन्स मोटर भी ऑन कर दी हैं, तो पानी के साथ साथ ये सारा कुछ चल रहा है। ये नहा के थोड़ा सा अच्छा फील कर रही है, तो अभी घबराई हुई है थोड़ा सा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार रुक जाओ रुक जाओ, ये लो इसमें पानी में एंजॉय करो थोड़ा सा, नहाओ दो ऐसे ही, शाबाश यार। मेरा बुरा हाल कर दिया इसने, सारा पानी पानी कर दिया। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसकी वो घबराहट, अभी अब थोड़ी सी घबराहट दूर हुई है, अब नॉर्मल हुई है। आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा भाई, आ जा तू भी आ जा, आराम से आराम से, ये ले। ओए यार आधे से ज़्यादा मुझे नहला दिया इन्होंने साथ। अरे ना हो यार, तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ यार। असल में दोस्तों फर्स्ट टाइम मैंने इनकी ये सेटिंग की, अभी मुझे समझ नहीं लग रही कि यहाँ से ये वॉक थ्रू करती भी डांस करती भी यहाँ से ऊपर जा सकेंगी कि नहीं। तो अभी थोड़ी देर के लिए ये देखें पागल हो रहा है। तो शैम्पू भी ले आया हूँ, इनको वॉश भी करना है। अभी वो जो बड़ी पार्टी है ना, उनको अभी पता ही नहीं है यहाँ पर पानी आ चुका है, वो अब सेटल हो गई है। हम क्या, हम थोड़ी देर के साइड पे हो जाते हैं, आए देखते हैं क्या करते हैं। अभी उनकी सेटिंग सिर्फ वो उनकी हिफाजत कर रही हैं, थोड़ा सा वो वहाँ से फ्री होती हैं, तो हम ये चकूजी बात ना इनको एग देखते हैं यार, जो मैंने एग रखा है वो अंदर ले लिए, हाँ अंदर कर लिए। तो बाकी एग्स भी मेरे ख्याल में मैं ले आता हूँ, मुझे कुछ नहीं कह रही, ट्राई करूँ। दोस्तों यार आपसे लेता हूँ इजाज़त, तो बाद में अगर कुछ मारती मूर्ती भी है तो खुद ही सेटल डाउन करता हूँ ना मसला। तो इसलिए जाने से पहले आप लोगों से वही सेम मैसेज हमेशा की तरह, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हम आपको बहुत सारी अपडेट्स दें यार। इसका वेट करें, इसका जो क्विज मैंने आपको बताया ना, इसका वेट करें कि क्या आने वाला है और क्या बनने वाला है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।